Good morning, my dear student. Today we are going to chapter 4, page number 135, 136 and 137. Part 4 hai student, ye chapter 4 ka multiplication table of 2. Isme student, humne kya karna hai? 2 ka table करना है. कैसे करेंगे स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, बाय एडिंग फैक्ट से करेंगे. ओके, सबसे पहले देखिए हमारे पास कितनी बॉल्स है. 2 2 बॉल मीन 2 वजा 2 2 इज इक्वल टू 2 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट चलिए हमारे पास कितनी बॉल्स है. 1 2 3 4 इट मींस 2 के ग्रुप हैं, 4 बॉल्स हैं, 2 2 जा 4, इट मींस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 2s मीन 4, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, क्लियर? नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट, इसी में अगर हम लें 3 का ग्रुप, 3 ग्रुप्स हैं, बट क्या है? 2 2 की है, इट मींस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. ये तो क्या हो गया? एडिशन फैक्ट. अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, क्लियर? नेक्स्ट चलिए इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? 2 3s, it means 2 3s, clear, is equal to 6. अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टेबल पर, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5. जैसे हमने स्टूडेंट 2 का टेबल किया, ऐसे हम किसका करेंगे? 5 का. अब आप 5 का टेबल नेक्स्ट भी निकालते जाएंगे. 2 4s are 8, 2 multiply 4 is equal to 8. Next करेंगे 2 multiply 5 is equal to 10. Mean 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 10. ये क्या हो जाएगा? 2 का addition fact हो जाएगा. 2 multiply 5 is equal to 10. Next चलिए अब हम करेंगे 5 का table. अब हमारे पास देखिए student एक base है. इसके अंदर कितने फ्लास हैं? 5. इट मींस 1 5 है. 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5, मींस 5 1 जा 5. नेक्स्ट चलिए हमारे पास 2 वेस है और उसमें कितने कितने फ्लास हैं? 5 5, इट मींस 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10. Mean 5 plus 5 is equal to 10. ये क्या हो गया? Addition fact. ये multiplication fact. ऐसे आप 3 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 multiply 3 is equal to 15. Mean 5 plus 5 plus 5 is equal to 15. Clear बच्चे? ऐसे आप next number निकालते जाएंगे. 5 4s are 20. 5 5s are 25. इसको कहते हैं 2s और इसको कहते हैं 1s, 2s, 3s, फिर नेक्स्ट 4s, 5s, 6s, क्लियर? नेक्स्ट चलिए अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10. 10 का बच्चे आप कैसे करेंगे? अब देखिए पेज नंबर 137 को ध्यान से देखिए. मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 10 दिया गया है. इसमें मैच बुक्स का बंच बनाया गया स्टूडेंट. एक बंच में देखिए स्टूडेंट, ये देखिए 10 क्या है? मैच स्टिक्स है. अब देखिए 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 बंच है तो क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20, मीन 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट 3 का बंच है, 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, मीन 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30. नेक्स्ट आप क्या करेंगे?
कैसे लिख सकते हैं, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 इज इक्वल टू 15. क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही आप स्टूडेंट बाकी के टेबल भी कर सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 का टेबल निकालने के लिए सबसे पहले आप ग्रुप को ध्यान से देखेंगे. ग्रुप में कितने बॉल्स हैं? 2 बॉल्स हैं. इट मीन 1 ग्रुप है 2 बॉल्स का. तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, मीन 2 1 जा 2. नेक्स्ट ग्रुप को देखा आपने, 2 ग्रुप थे ये और 2 2 के थे, सेम ग्रुप थे. इट मीन्स 2 2 जा 4 हो गया. ऐसे ही नेक्स्ट 3 के ग्रुप, 3 ग्रुप्स थे 2 2 के, तो 2 3 जा 6 हो गया. ऐसे ही स्टूडेंट आप 3 का भी निकाल सकते हैं. मान लीजिए कोई भी ग्रुप है 3 का, ट्रायंगल्स है, मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल्स के ग्रुप हैं. 1 ग्रुप है, इट मीन्स 3 1 जा 3. अब मान लीजिए 2 ग्रुप हो, टू ग्रुप मीन 3 2 जा 6. क्लियर कर सकते हैं बच्चे? नेक्स्ट आपने किया 5 का ग्रुप, तो 5 का टेबल कैसे किया, 1 बेस में 5 प्लस से, तो 5 बन जा 5. फिर 2 बेस में 10 फ्लावर हो गए, तो 5 2 जा 10 हो गया. क्लियर? ऐसे ही आपने 10 का किया, तो 10 बन जा 10, 10 2 जा 20. मैथ बुक्स के अगर 2 बंच है तो 10 2 जा 20, 3 बंच है 10 10 मैथस्टिक्स के तो 10 3 जा 30, अगर 4 बंच है तो 10 4 जा 40, 5 है तो 10 5 जा 50. क्लियर स्टूडेंट? ऐसे ही आप बाकी के टेबल भी कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गुड डे. स्टे सेफ, स्टे होम.